জানুয়ারি অযোধ্যায় নিয়ম মেনে হয়েছে প্রায়শ্চিত্ত ও কর্মকুটি পুজো। বুধবার রীতি এবং আচার মেনে পালিত মূর্তি পরিসর ও প্রবেশ পুজো, আর 18ই জানুয়ারি তীর্থ পুজো, জলযাত্রা ও গন্ধ দিবস। বুধবার রামলালার মূর্তি শোভাযাত্রা করে সরজ নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অভিষেকের পরে মূর্তিটি ফিরিয়ে আনা হয় মন্দিরে। কিভাবে এই আচার পালন করা হয়েছে জানালেন আচার্য অরুণ দীক্ষিত মহারাজ। जो उसके लिए आवश्यक पूजाएं थी वो तो कल कर ली गई हैं कर्मकुटी होम। अब आज जिस मुहूर्त पर जैसा बतलाया गया होगा उनको, उस हिसाब से मूर्ति को मंदिर प्रांगण में ले जाया जाएगा। अब वो शायद दोपहर का समय तय हुआ है तो उसी हिसाब से वहां पर मूर्ति जाएगी। प्रार्थना होती है कि आपको आपका मूर्ति निर्माण होने में जो कुछ हथौड़ी इत्यादि से उनको प्रघात होता है और जो कुछ उसका भी कभी शरीर का भाग भी भगवान को स्पर्श हो जाता है, ये सब जो दोष होते हैं उस दोष के निवारणार्थ वो होम किया जाता है। और होम करने के बाद भगवान को शहद और घी लगाया जाता है और फिर पट्टी बांध दी जाती है और फिर मूर्तिकार का पूजन होता है। तो मूर्तिकार का पूजन हो करके वो मूर्ति जो है अब हमारे प्रतिष्ठा के योग्य सिद्ध हो गई, तो अब वो मूर्ति वहाँ से चल चलेगी। दोपहर को मूर्ति में वजन बहुत है, उसको लाने के लिए बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। तो वो जो यहाँ के प्रशासक लोग हैं लगे हैं उसमें, तो आज हमको लगता है शाम तक मूर्ति का आगमन मंदिर प्रांगण में हो जाना चाहिए। मंदिर में छोटी मूर्ति एक है, रजत मूर्ति बनी है, उसी का भ्रमण कराया जाएगा प्रतीकात्मक। इतनी बड़ी मूर्ति का भ्रमण ज़्यादा कराना उचित नहीं है क्योंकि सब दृष्टिकोण से विचार करना है। तो जो विधि है वो तो हो जाएगी और मूर्ति एक बार आएगी तो घूम करके ही मंदिर में जाएगी, तो परिभ्रमण संकेतात्मक हो जाएगा। সোমবার অযোধ্যার মূল অনুষ্ঠান উপলক্ষে একাধিক রাজ্য স্কুলের ছুটি ঘোষণা করেছে। তালিকায় রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, হরিয়ানা আর গোয়া। এদিকে বুধবার থেকে শুরু হলো কলকাতা অযোধ্যা বিমান পরিষেবা। 22ই জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করেই এই সূচনা। আপাতত সপ্তাহে 3 দিন এই পরিষেবা দেবে বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। 22ই জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন। ইতিমধ্যেই অযোধ্যার মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দিল্লির মধ্যে বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। বুধবার 17ই জানুয়ারি থেকে কলকাতা ও অযোধ্যার মধ্যে বিমান পরিষেবা শুরু হলো। ক্যালকাটা নিউজ।